हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये आप पे देख रहे होगे, आप ये मेरी रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड सही से नहीं हो रही है। तो मैंने कुछ पोजीशंस होल्ड की हुई थी, दो या तीन पोजीशन मेरी ओवरनाइट की, बाकी मैंने कुछ पोजीशन इसलिए बुक भी कर लिए प्रॉफिट बुक, क्योंकि मेरे सारे टारगेट आ चुके थे इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक करा हुआ है। आप जैसे देख सकते हो, पहला जो मेरा ट्रेड था यहाँ पे 10:09 और 10:10 पे था। आप यहाँ पे देखोगे तो चलिए अभी समझा भी रहा था, तो मैंने वीडियो बनाई थी या तो जैसा कि आप देखोगे, सुबह मॉर्निंग में एक इनसाइड कैंडल बनाया जिसके ब्रेक पे ही मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। ये जो कि 10:10 की कैंडल है, 10:10 और 10:09 पे जो मैंने ट्रेड लिया, फिर यहाँ से मार्केट ने थोड़ा साइडवेज हो गई और फिर ब्रेक किया, और जो कि मुझे अच्छा खासा इस समय प्रॉफिट दे रही है। अब जैसा कि देख रहे होगे, मार्केट प्रीवियस स्विंग जो बनाया, मार्केट अच्छा खासा फॉल आया, एक स्विंग नीचे बना दिया, एक स्विंग ऊपर बना दिया। जब ये वापस गया, इसने प्रीवियस स्विंग नहीं ब्रेक किया हुआ था, तो मैंने 30 क्वांटिटी सिर्फ होल्ड किया हुआ था और नई पोजीशन, बाकी मैंने कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, जो उसमें मैंने ऑलमोस्ट 35 या 38,000 मैंने ऑलरेडी बुक किया हुआ है। तो प्रीवियस स्विंग पे यहाँ पे था, तो मेरे ये असल मैंने यहाँ पे डाला हुआ था जो कि मैंने पोजीशन होल्ड किया हुआ था। तो मार्केट खुली गैप डाउन खुली मार्केट, और ये मार्केट ने रिवर्स किया यहाँ पे आकर के, लेकिन प्रीवियस स्विंग यहाँ पे फिर से ब्रेक नहीं कर पाया और एक यहाँ पे ब्रेक दे दिया इनसाइड कैंडल का, इस कैंडल पे ब्रेक दिया जो कि मैंने ऑलरेडी ट्रेड कर ट्रेड किया हुआ उस पर। फिर मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज बनाया और थोड़ा सा एक चैनल में फंस गया, उसके बाद जब ब्रेक किया, फिर यहाँ से ब्रेक अच्छा खासा ब्रेक किया। मैंने पोजीशन ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा फॉल आ चुका है, इसलिए मैंने नई पोजीशन ज़्यादा पोजीशन ऐड नहीं की, मैंने मिनिमम से मिनिमम ही पोजीशन ऐड करके मैंने रखना चाहा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी पोजीशंस हैं। मैं चाहता तो और पोजीशन ऐड कर सकता था, फंड मेरे पास कमी नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा इसमें ऐड करने का सोचा भी नहीं। अब और देखोगे तो बैंक निफ्टी में छोड़ करके आपको अगर देखना, तो सिर्फ दो बैंक, मेजर बैंक आपको जरूर देखने की ज़रूरत है, एक ICICI बैंक, एक HDFC बैंक। HDFC बैंक अभी भी साइडवेज चल रहा, ब्रेक डाउन इसमें आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा फर्दर यहाँ से बैंक निफ्टी और गिर सकता है, यहाँ पे होल्ड कर सकता है। आज एक्सपायरी भी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ट्रेड करना इस समय प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है तो इसमें कुछ भी हो सकते हैं। तो और ICICI बैंक भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा खासा इस समय गिर चुका है। मैं अपनी सारी पोजीशन बहुत जल्दी मैं सारी पोजीशन भी क्लोज़ कर दूँगा और फर्दर आपको अपडेट भी करूँगा। और मार्केट ओवरसोल्ड में भी देखूँगा, अगर आप RSI अगर यूज़ करते हो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड करना कम प्रेफर करूँगा। बाकी ये मेरे ट्रेड्स हैं, तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए टिल देन बाय बाय।